बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मदिन नबी उम्मी व आलिही व सहाबी बारिक व सल्लम सलातन व सलाम अलैहि वसल्लम। मैं सदाबहार इस्लाम से मुखातिब हूँ और सवान हया शमश कमर गौसे बंगाला पार्ट बाई पार्ट डाल रहा हूँ। देखिए, दिखाइए, सुनिए, अल्लाह के सब शेयर कीजिए और तमाम आलम में फैलाइए। सरकार के मोहब्बत करने और चाहने वालों को बताइए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मदिन नबी उम्मी वालेही व साहबी बारिक वसलम सलातन व सलाम या रसूलल्लाह। पटना होते हुए रानीगंज आला हज़रत मारुफ़ाए सफ़र जब पटना घाट पहुँचे, सफ़ा 71 पार्ट 71 पटना घाट पहुँचे तो ख़्याल हुआ कि खानकाह की बाज़ दीदा कर ली जाए। साथ ही साथ पुराने आशनाओं और ज़फ़र मियाँ छोटे हुजूर से भी सरसरी मुलाकात हो जाए। चुनांचे आपने साथियों से इजहार ख्याल फरमाया। फौरन ही शेख मुनीर साहब इस गुफ्तगु पर मज़ाहम हो गए और कहने लगे, हुजूर खानकाह की वीरानी और अल्लामा अल-हफीज़ जब आप इसे देखेंगे तो नाकाबिल बर्दाश्त सदमा मलाल व मलाल होगा। फिर भी मुमकिन है कि छोटे हुजूर आपके इस सफ़र में माना हो जाएं, इसलिए बेहतर है कि सीधे रानीगंज चला जाए। आला हज़रत ने शेख जी की इस मशवरे को कबूल कर ली और घाट से बाकीपुर जंक्शन, जिसे कहते हैं पटना जंक्शन, बाकीपुर जंक्शन पहुँचे। पहुँचते ही मालूम हुआ कि पूरब जाने वाली गाड़ी जा चुकी है, अब शाम ही को दूसरी गाड़ी मिलेगी। चुनांचे स्टेशन पर ही वेटिंग रूम में तमाम क़याम का इंतज़ाम हुआ। एक दो खादिम साथ रह गए, बकिया लोग सैर तफरी के लिए निकल गए। यहाँ तक के लोग खानकाह के करीब चौक शिकारपुर तक भी आए। बाज़ जान पहचान के लोग से भी मुलाकात हुई, लेकिन आला हज़रत की आमद को बिल्कुल ही सीगे राज में रखा। खानकाह के मुतल्लिकीन में से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। शाम को ये लोग स्टेशन पहुँचे, ट्रेन आई और रानीगंज के लिए रवाना हो गए। रानीगंज में खुशियों की बारात। दूसरे ही दिन जब यह मख्तसर काफिला रानीगंज पहुंचा तो वहां पर हर तरफ चहल पहल बिखर गई। जो सुनता ही बेखुद ही के आलम में शौक बनकर फरशरा बन जाता। इस किस्म के लोगों की कमी अब भी रानीगंज में थी जो आला हज़रत के पाए कमाल से वाकिफ़ हों, लेकिन जो थोड़े बहुत जानते थे इनके यहाँ खुशियों की बारात सज गई। खसूसन फजल सरकार जिनके औकात के नतीजे में आला हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए, इनके बजहत और सरोकार आलम ही का जुदा था। फ़र्त शौक में इनके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आला हज़रत इन्हीं के यहाँ फ़र्दकश हुए और दीनी बरकतों से इन्हें फ़ायज़ अल-मुआम किया। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मदिन नबी उम्मी वालेही व सहाबीही बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।